हमारे शरीर के सारे अंग किसी न किसी कारण हमारे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम मजबूत हो तो हम किसी भी बीमारी या फिर इन्फेक्शन से बचे रहते हैं, जिससे आपको रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो तो हम बहुत जल्द किसी भी गंभीर बीमारी या फिर इन्फेक्शन की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन हम रोजाना कुछ ऐसी गलतियों को भी कर जाते हैं जिसके कारण हम खुद ही अपने इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देते हैं और हमारा पाचन तंत्र कमजोर और खराब होना शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं रोजाना की जाने वाली उन गलतियों के बारे में। नंबर वन, आजकल लोग हमेशा तनाव में ही नजर आते हैं जिसके कारण आपके इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। बेहतर होगा आप तनाव से जितना हो सके उतना दूरी बनाएं। नंबर टू, इसके अलावा आजकल लोग आधी अधूरी नींद ही लेते हैं जिसके कारण लोगों के इम्यून सिस्टम पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाता है। नंबर थ्री, सुबह के समय एक्सरसाइज करने का मतलब पूरे दिन सेहतमंद और हेल्दी बने रहना। लेकिन आजकल लोग बिजी होने के कारण एक्सरसाइज नहीं कर पाते जिसके कारण उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर फोर, इसके अलावा ताजे फल और हरी साग सब्जियों का सेवन ना करने से आपका इम्यून सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है, साथ ही आप गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। नंबर फाइव, तो वही आपको आगे बताते चले कि कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं कि भोजन करने से पहले हाथ धोना जरूरी नहीं समझते। इसके कारण बैक्टीरिया सीधा आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। बेहतर होगा आप कभी भी भोजन या ब्रेकफास्ट से पहले अपने हाथों को धोना ना भूलें। किरण हेल्थ टेक से रानी की रिपोर्ट।